पंजाब दे विच करोना दा जिहड़ा कहर लगातार वधदा जा रहा, बेशक सेहत विभाग वल्लों इस मामले नूं लैके लगातार जिहड़ी टैस्टिंग तेज कर दित्ती गई आ, पर इस दे नाल नाल लोकां जिहड़ी पैनिक स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ते इस नूं लैके बहुत ज़्यादा गलत प्रचार होया, जिस दे चलदे किते ना किते लोकां च वहम हो रहा, हस्पताल जाण तों डरदे ने। मोहाली दी घटना दस रही है, मोहाली च एक आडियो वायरल हुई है जिहदे विच इह लोकां नूं भरम पाया जा रहा कि जिहड़े इत्थों कोविड लई आ रहे ने पेशेंट उहनां दे अंग कढ़े जा रहे ने, जिस दे चलदे कई जगह जिहड़े सेहत विभाग दीआं टीमां ते हमले भी हो रहे ने। साढ़े ना मोहाली के सिविल सर्जन ने असं इन्हों पूरे गलबात करा भी किस तरह का जोड़ा लोगों पैनिक स्थिति हो रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह एक आइडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया से, बेशक बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा अपने हक के भी, लेकिन जो इस तरह का नैगेटिव प्रचार होया लोगों के पैनिक स्थिति पैदा हो रही है, की है इसकी सच्चाई? देखो, सब तो पहला तो मैं अपील करूँगा अपने मीडिया वाले वीर भी, ती जो झूठे प्रचार हो रहे हैं इन्हों का खंडन अपने अपने माध्यम द्वारा सारे पब्लिक च करो। मैं अपनी एक वीडियो भी दो दिन पहले रिलीज़ की सी, जिदे च मैं सारे फैक्ट्स जड़े ने वो दसे ने। गल आई है भी छे फेज साढ़े हस्पताल इदा कढ़े जाते हैं और कोई एक सिंगल डैथ नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हले असी एल टू के जिड़े भी लैवल के पेशेंट ने साढ़े ज्ञान सागर से जाते हैं, इस तो प्रतक होर की हो सकता भी अगेंस्ट चल के पंजाबियों का नुकसान करना चाहता हैगा, तो वो जड़ा जड़ा है आप प्रोपेगंडा करिए, जो कोई ये मुहिम करते हैं। अंग जड़े होंगे ने वो इस तरह नहीं है भी आप किसी दे जाके केले चक लियाए जा सेब चक लियाए तो दूजी मंडी जाके बेचते, इस तरह नहीं होंदा। ये अंग कढ़न लई बहुत सारे टेस्ट करे जाते हैं, दोनों जिन्हों अंग देने होंगे ने जिन्हों लैने होंगे ने उन्होंने बराबर टेस्टिंग होंगी है, उन्होंने उसी तरह थोड़ी जी देर बाद जो अंग कढ़िया जाता नाल दी नाल उन्होंने वो भी पाना होंगे तो ऑपरेट करके, इस जदों की सारा ये नाले उस बंदे दे अंग ले जा सकते हैं जिहड़ा बिल्कुल परफेक्ट हुंदा है, जिहड़ा कोविड पेशेंट है वो तो अंग ले ही नहीं सकते। सो नाल एक होर भी जिहड़ी है भी लोग भी इहदे जिहड़े बंदे मर जांदे ने ते पैसे मिलदे ने, कोई इहदे विच भी कुछ चाहिए? इहदे च मैं तुहानूं एक गल दस दिंदा भी जिथों तक यह कहा जाता भी टैसटिंग दे सानूं पैसे मिलते हैं, पॉजिटिव कढ़न दे सानूं पैसे मिलते हैं, तो मैं अज तक यह दसना चाहना कि मैं एज सिविल सर्जन ये गल दस रहा भी ना इस गल दे सानूं कोई पता है भी सानू कोई पैसे मिलते नहीं, ना ही सानू इन्नी गल का पता है भी असी दस सकते हैं, जिथे तक मैनू पता है भी ना मेरे किसी सेहत मुलाजम नू कोई टैसटिंग दे पैसे मिलते हैं, ना पॉजिटिव कढ़न दे ना नैगेटिव कढ़न दे। ये गल्लां तां आपां नू एक अफवाह उड़ाइया जा रही कि जिहड़ी असी सैंपलिंग ना कर सकीए, अर्ली डायग्नोसिस ना हो पे, जे सैंपलिंग इन्नी माड़ी होंगी, मेरा सवाल है सारे संस्था नू, तां पंजाब दे चीफ मिनिस्टर साहब, पंजाब दे सेहत मंत्री साहब, होर मंत्री साहबान, अपने MLA साहबान क्यों टेस्ट कराते, क्यों साढ़े डॉक्टर्स, क्यों साढ़े पैरामेडिकल दे स्टाफ मैंबरस, क्यों अपने परिवारों के यार अपने टेस्ट करवाते, जे कोई चंगी चीज़ है ता ही असी अपने भी करा रहे हैं और थोनू भी गाइड कर रहे हैं भी ये कराने चाहिए ता कराने चाहिए हैं, ताकि जे आप अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस कर लिए कई बार जो बैड इफेक्ट्स है बॉडी पर उन्होंने आप घटा सकते हैं बचा सकते हैं। टेस्टिंग की गल की किस तरह की जो हम कोई स्पीड आप बताई है कि घर घर जाके भी कुछ तरह का कोई प्रबंध है कि आप नाका ला के कई बार देखा कि उत्थे ला के उत्थे भी टेस्ट किए जाते हैं, क्यों जरूरत पई इस टाइम? देखो, साड़ी जिहड़ी हैगियां हुण मोबाइल टीमां भी आ वैन खड़ी है तुहाडे सामने, वो जाणियां शुरू हो गई ने, तो बार बार जिहड़े अफेक्टड एरियाज हुंदे ने कोई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना लिया, कलस्टर जिथे ज़्यादा आ गए उत्थे असीं कैंपिंग करके भी वह जिहड़ी हैगी है टैसटिंग करते हैं, बाकी साडे सारे हस्पतालां च बड़ी एक्सटेंसिव तरीके नाल जिहड़ी है टैसटिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं ताकि जिहड़े पॉजिटिव केस आते हैं उन्होंने जे आप प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करांगे तो पॉजिटिविटी जिहड़ी है हो सकती है। सो इसी करके थोड़ी जी सर्ज हैगी है। सो पर जिथों तक डैथ का भी सवाल है, तुसी ये देखोगे भी मोहाली दीआं जिहड़ीआं डैथस ने 89 ने आउट 4100 चों, पर उहदे नाल नाल आपां इह जरूर देखो भी वह सारिया दीआं सारिया टर्शरी लैवल के होस्पिटलों च ने मोस्टली, दैट मीनस कि मरीजों नूं अपने आखिरी मौके तक इलाज का पूरी फैसिलिटी मिली। सो इस करके इदां दी कोई गल नहीं है भी अपने कोल किसी किस्म की इलाज की घाट है, आप जोर ला सकते हैं लास्ट दम तक, पर बचाना किने है? बचाना असी आपने आप नूं है। जे असी कोमॉर्बिडिटीज़ जिहड़ियां वाले पेशेंट ने असी जिन्नियां डैथ्स नूं स्टडी कीता है जिन्हां च कोई लंबे समय तो शुगर अनकंट्रोल्ड चलती है, कोई कार्डियक डिजीज़ हैगी, कोई
जाके जा बॉडी की कोई किडनी की कोई प्रॉब्लम हैगी है जा कैंसर का मरीज हैगा उन्हें इन चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा हो जी हूँ डेथ हो रही है आम तौर पर देखा गया सारे जो कोविड के नाल जो रिलेटेड दसया जा रहा कि सारी जी कोविड जब कहते कोविड इन्ना है नहीं गा भी जिद दस रहे हो भी किसी ने होर बीमारियां कहीं शूगर आ जा कोई होर बीमारियां ने पर एक सारिया कोविड के रिलेटड ने ये यही गल मैं तुहानूं दसना चाहना कि जदों आपां नूं बीमारी शरीर नूं पहला हुंदी है तां अपनी इम्यूनिटी पहले ही डाउन हुंदी है और वह जिहड़ी शरीर च जिहड़ा इम्यूनिटी डाउन हुंदी है उहदी फाइटिंग कपैसिटी बहुत घट जाती है। इस करके मैं कह रहा भी आपां नूं अपने जिहड़े ये मास्क पहनना आपां नूं सोशल डिस्टेंसिंग कराना बाहर ना कट्ठां च जाना वो तो सारिआं ते जरूरी ही है पर जिहड़े अपने घरां च मरीज ने जिन्हां नूं ये बीमारियां ने उन्होंने तो आपको बिल्कुल जिमें सामभ के बोझ के जिन्हों कहने हुने पंजाबी रखने की जरूरत है ताकि उन्होंने आप बीमारी भी ना लगन दईए। सो इस करके जी मोर्टैलिटी है वो साड़ी घट सकती है। मतलब उन्होंने गलबात कर दी ईवन जो लोड़ पैंदी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर दी उन्होंने डॉक्टर का नंबर दिता जाता है भी तुसी ए डॉक्टर नाल जा इस टीम नाल थोनू असाइनमेंट की है तुसी इनू किसी वेले भी जब थोनू प्रॉब्लम होवे तां तुसी बुला सकते हो उन्हों दस सकते हो अपनी प्रॉब्लम उन्होंने दसया जाता भी तुसी की मेनटेन करना है सैचुरेशन किमें देखनी है फीवर किमें देखना जे फीवर है तो की दवाई लैनी हैगी है उन्होंने गाइडेंस चलती रहती है। बाकी साढ़े नोडल अफसर साढ़े प्रोग्राम अफसर वो भी क्रॉस चैक करते हैं तो इस तरीके डिप्टी कमिश्नर साहब दे भी टीम बैठी है वो भी जाके उन्होंने टेस्ट गलबात करते हैं। बिल्कुल बस एक लास्ट मेरा क्वेश्चन हाँ कर लो डॉक्टर साहब गल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई एमरजेंसी फोन आया पर बड़ी हैरानी की गल है कि लोगों को थोड़ा जिहा इस पैनिक ना होने की भी अपील बार बार की जा रही है क्योंकि लगातार देखा गया है कि इस तरह की जिहड़ियां वीडियो वायरल हो रही ने तो जिहड़ियां स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि हालत यह है कि इस टाइम जिहड़ा कोविड का 90 का जिहड़ा पीक ते जा रहा है लगातार जिहड़े पेशेंट बढ़ रहे हैं पर इहदे नाल नाल जिहड़े सेहत विभाग वालों दावा किया जा रहा कि टैसटिंग तेज़ की गई मोबाइल बैन टैसटिंग आ गई ये जिहड़ियां घर घर महल महल जाके जिहड़ियां उत्थे भी टैसटिंग कर रही है पर लोगों को इहदे विच जरूरत आ कि लोग सहयोग कर क्योंकि आम तौर पर देखा गया कि जेकर लोगों के नाल ही सारा है आप इस बीमारी ना लड़ना है इसनों हरा ही संभव आ जेकर थोड़ा सहयोग होगा पर लगातार हम सेहत विभाग वालों जेकर इस तरह की अपील की जा रही ने मुख्यमंत्री वालों लगे जागरूक अभियान चलाए गए हैं पर इसके बावजूद हूँ लोगों जी पैनिक स्थिति हो रही है वो कितने ना कि जी बैड एलीमेंट ने जोड़े सोशल मीडिया इस तरह के जो अफवाह फैलाते हैं इन्हों तो जरूर सचेत होने की लड़ा पर कितने ना कि जरूर इस संबंधी जो स्पष्ट तौर पर सिविल सर्जन ने दसिया तो असं और सिविल सर साहब जेकर हूँ एम जिस तरह का पीक तो जा रहा अपने को हम इत जिले की गल करिए किन्ने वेंटीलेटर ने किन्ने अपने किस तरह के प्रबंध किए साढ़े को सारे तरह के प्रबंध ने 10 वेंटीलेटर साढ़े को जिहड़ियां नूं असीं 10 होर लै सकते हैं ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज साढ़े को पटियाला हैगा उत्थे सारे वेंटीलेटर आईसीयू साढ़े बहुत मौजूद ने तो इस तरीके नाल साढ़े को जिहड़े कई हस्पतालां विच भी असीं वेंटीलेटर अरेंज करवाए हैगे आ ते किसे तरह की कोई इस तरह की हर एक मरीज़ को वेंटीलेटर पर नहीं जाना होता बहुत रेयरेस्ट केसेस च जाना होता जिथे बीमारी जी है बहुत सीरीयस हो जाती है। देखे जाए हम पीक तो जा रहा हले सितंबर महीने देखो ये एक टोटली अनप्रडिक्टेबल जी हैगी है बीमारी है ये बारे तो आप देखा कि प्रडिक्शन हुई किसी ने कोई प्रॉपर प्रडिक्शन नहीं कर सकते पर वेखन लगता है भी हूँ थोड़ी जी पीक हैगी है तो इस करके जी हले भी मैं तो कहना हूं भी डुले बेर का कुछ नहीं बिगड़िया जे आप हूँ भी सचेत हो जाएंगे हूँ भी आप जो सारा प्रकॉशनज ने लैनिया शुरू कर देंगे आप हूँ भी इनू कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा कुछ मेरी अपील है सारी इलाका निवासियों वास्ते भी ये जे आप हूँ इनू किसी अफवाह च ना जाइए मैं थोड़ा सारिया गल् दस चुके हैं तो इनू आप पूरी तरह मनीए और अपनी जो लोड़ है तो आप सैंपलिंग कराइए तो अपना इलाज कराइए जे असी साड़िया टीम कहें भी घर ठीक हो सकता तो वह असी चाहते हैं सारे मरीजों असी घर ही रखिए क्योंकि वो तो साड़ी भी खेचला घटती है सो पर जोड़े मरीजों जरूरत होंगी है उन्होंने सानू आप लैके जाना पैंदा है दाल च ओदे भी जड़े ने बहुत फायदे होंदे ने।
बिल्कुल साढ़े ना सिविल सर्जन साहब जी इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो लोगों को अपील की है कि वह सहयोग कर इस मामले के क्योंकि COVID-19 इस तरह की बीमारी है कि जेकर असी रल रल के रहेंगे तो इन हराया जा सकता। पर जिस तरह के वीडियो वायरल हो रही ने जो लोगों पैनिक जरूर स्थिति पैदा हो रही है नाल स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहना है कि इस मामले के जेकर देखा जाए साढ़े सब तो जो फ्रंट लाइन से लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर वो भी कई जो मौत के शिकार हो गए वो कारण यही है कि वो लगातार लोगों की जी सेहत तंदुरुस्त करने जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी जरूरत है कि तुम भी इस सेहत विभाग का सहयोग करिए आप इस बीमारी लड़के यू हराने कामयाब होइए। मोहाली तो कैमरामैन मनदीप गौतम के नाल गुरदीप बैनीपाल डेली पोस्ट पंजाबी।